इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 सितंबर तक बढ़ी। शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया गया। इंद्राणी से मिलने उसकी दूसरी बेटी विधि कोर्ट पहुंची थी। मां को देखकर वो रोने लगी। भारत की शर्तों पर बातचीत करने से पाकिस्तान का इनकार। पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के बीच अगले सप्ताह बैठक होनी है। जब तक सभी मुद्दों को एजेंडे में नहीं रख लिया जाता, तब तक भारत के साथ बातचीत नहीं करेंगे। एलसी गोयल के वीआरएस के बाद राजीव महर्षि को नया होम सेक्रेटरी बनाया गया। गोयल ने निजी कारण से तुरंत सर्विस से रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट की थी। उनके कामकाज से पीएम की नाराजगी को इसकी वजह मानी जा रही है। महर्षि को लाए जाने से राजनाथ सिंह नाखुश बताए जा रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर बेनतीजा रही बीजेपी की बैठक। बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भाजपा 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एलजेपी के रामविलास पासवान ने बैठक को सफल करार दिया। ओआरओपी की सपोर्ट में आए राम जेठमलानी ने मोदी पर निशाना साधा। एडवोकेट राम जेठमलानी जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे रिटायर्ड सैनिकों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने सैनिकों की मांग को जायज बताया। डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से पेट्रोल के रेट 2 रुपए और डीजल के दाम 50 पैसे पर लीटर सस्ते हो गए हैं। हिट एंड रन केस में कैंसिल नहीं होगी सलमान की बेल। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया जिसमें सलमान की बेल खारिज करने की अपील की गई थी। सलमान के सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र पाटिल की मां ने पिटीशन लगाई थी। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।